कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक साइड पे 20-22 साल का बच्चा लड़का जिसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, अच्छा नहीं है, एक साइड पे 35-40 साल का बाबा कर ले जिसके सर पे बाल नहीं है, बड़ी बड़ी मूछ है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो दोनों तरह से प्रपोजल आए तो शादी किससे एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, मतलब 22 साल वाला गरीब होगा? हाँ, 22 साल वाला। मैं जो है ना, फिर देखिए गरीबी में वक्त नहीं गुजर, आजकल तो मैं जो है ना 35 साल की तरफ ही जाऊंगी। अना कहाँ जाऊँ पैसा कमाने के लिए? इधर बैंक के टॉयलेट गाड़ी लगाऊँ या इस होटल में गाड़ी लगाऊँ, या फिर ये कूड़ा साफ करूँ, या फिर इस मॉल के अंदर लैट्रिन बाथरूम साफ करूँ, या फिर वो बाड़ियाँ साफ करूँ। वो कौन सी रूम है जिसमें ना खिड़की होती है और ना ही कोई दरवाजा होता है? रहा नहीं जाता। जहाँ पे काफी कपल्स घूमते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन थोड़ा सा गलत भी है, गलत मैसेज जाता है बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी होते हैं। ठीक है, समझिए, यहाँ पे वो देखते हैं गलत मैसेज जाता है, ये लोग मतलब रूम में भी जा सकते हैं, एक सेपरेट रूम ले सकते हैं, ये गलत बात है। देखिए कैसे ये लोग यहाँ पे माहौल खराब करते हैं, देख आप देख सकते हैं इनको सर। अरे तुम यहाँ क्या? ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मेरे साथ मौजूद हैं रफीक साहब, जिनकी उम्र 55 साल है, और इनके साथ 22 साल की खूबसूरत आलिया मौजूद हैं। मानना पड़ेगा, जिन्होंने आपस में मोहब्बत की शादी की है। अरे भैया, तू क्या देख लियो? आप सबको कैसे इस बंदे पे तरस आके जो मोहब्बत है? जी, इसने जो हांडी बनाई है ना, तो वो इतनी अच्छी थी कि मेरे घर में आज तक मुझे इस तरह के किसी ने बना के नहीं खिलाया। अच्छा, ये अब मुझे बहुत मोहब्बत है इससे, क्योंकि मैं जिस तरह के ये खाने बना के मुझे खिलाता है ना, मुझे कोई नहीं खिला सकता। अच्छा, अगर ये चला जाएगा ना, तो कसम से मैं बड़ी परेशान हूँ। देखो बस का ड्राइवर है, बस का ड्राइवर बस बीच में खड़ी करके यूनिवर्सिटी में देखो चाय पीने आया, ये देखो चाय लेके जा रहा। ओए ये जय श्री राम, बस पीने की ड्राइवर देखो जाम लग गया है भाई, को चाय पीनी थी तो था। मैं बाजी कर सबसे अलग सबसे असली संचाल बस सबसे मस्ती से बात। हां आदेश, हाँ मुझसे जो गलती हो गई मुझे माफ कर दिए भैया। क्या हो गया? जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ कर दिए, और मेरे हकों में दुआ करिए। क्या हो गया? जो भी मुझे गलती हो गई उसे भी माफ कर दिए भैया, और मेरी अम्मी और अब्बा को संभाल लिए। क्या हो गया बताना? मैं ठंडे पानी से नहाने जा रहा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला